मीरा भाईंदर शहर में उनकी मैं छोटी बहन होने के नाते उनके आशीर्वाद का हमेशा राह देखूंगी। और मुझे बाला साहब ठाकरे कला दालन का आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हाथों भूमि पूजन हुआ, उद्घाटन हुआ। इस दौरान हमारे मेयर ज्योतना हसनाले ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से एक दिवाली भेंट मांगी है। हम उनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार की भेंट उन्होंने मांगी है। मैडम, किस प्रकार की भेंट आपने मुख्यमंत्री जी से मांगी? आज हिंदू हृदय सम्राट माननीय स्वर्गीय श्री बाला साहेब ठाकरे जी, इनके कला दालन का भूमि पूजन 16 यहाँ पर हुआ है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय उद्घाटक मुख्यमंत्री साहब थे और हमारे दोनों आमदार, पालक मंत्री तथा आयुक्त, उपमहापौर, स्थायी समिति के सभापति, सभागृह नेते, नगर सेवक, नगर सेविका, हमारे पत्रकार बंधु, चैनल के सभी प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित थे। और इस कला दालन का होना चाहिए, कला दालन इस शहर में चाहिए, ऐसी मांग हमारी पक्ष के मार्फत भी हमने की हुई थी। वैसे ठहराव भी महासभा में हुआ था और शासन की तरफ से अनुदान आने के कारण हमने इसका आज भूमि पूजन यहाँ पर किया हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से। और मुख्यमंत्री जी को मैंने मांग की है कि हमारे BSUP योजना के लिए जो उन्होंने 40 करोड़ का कर्जा दिया है, उसे वो हमारे कर्ज को न देते हुए अनुदान दे दे, ताकि हमारे जनता को घर मिले। क्योंकि आज 150 करोड़ का जो कर्ज है, फडणवीस हमारे माजी मुख्यमंत्री साहब देवेंद्र फडणवीस साहब के पीरियड में मंजूर हुआ था, मगर आज हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका की परिस्थिति थोड़ी इतनी बड़ी हमारी महापालिका नहीं है, तो हमें कर्ज न देते हुए हमें अनुदान देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसी बात मैंने उनसे कही है। उसी प्रकार दिवाली के लिए हमें 135 MLD पानी जो हमारे आरक्षण में मंजूर है, और बार बार पानी की तकलीफ हमारे शहर में होती है, उसे हमारे सभी शहरवासी परेशान होते हैं, तो ये जो 135 MLD पानी जो हमारे आरक्षण में मंजूर है वो हमारे दे दे, ये दिवाली के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर, ऐसे मैंने उनसे मांग की हुई है। उसी प्रकार जो मालमत्ता कर में 50% टैक्स माफ़ी के बारे में हमने ठहराव किया था महासभा में, और प्रशासन ने उस बात को न मानते हुए शासन के पास विखंडन के लिए भेजा है, तो वह 50% टैक्स और ब्याज में माफ़ी विखंडन ठहराव को विखंडन न करते हुए जो ठहराव महासभा ने किया हुआ है उसे हमें प्रशासन के पास भेजे, और उस ठहराव के ऊपर अमल बजावनी करने का आदेश मुख्यमंत्री होने के नाते आप दीजिए, ऐसी मांग मैंने उनको की है। ये दिवाली गिफ्ट हमारे मीरा भाईंदर शहर को मिले, ऐसी अपेक्षा आज के कार्यक्रम के माध्यम से मैंने उनसे की है। मुख्यमंत्री साहब ने आपको भी न्योता दिया है शिवसेना में आने के लिए। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर पालक मंत्री शिवसेना का है, MP शिवसेना का है, यहाँ पर लोकल जो MLA है वो भी शिवसेना के, तो आप ही शिवसेना में आ जाएंगे, क्या आप उस पर विचार करेंगे? आज की इस समय पर मैं भी भारतीय जनता पार्टी की नवगढ़ सेविका चुन के आई थी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे महापौर किया है और उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि वो उनके पार्टी में मुझे बुला रहे हैं, मगर आज महापौर बनाने का पूरा श्रेय मेरे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, तो इस समय पे तो इस बारे में विचार नहीं करूँगी। मगर भाजपा और शिवसेना ने मिलकर, युति ने मिलकर बहुत सारे काम शहर में किए हुए हैं। मीरा भाईंदर शहर में उनकी मैं छोटी बहन होने के नाते उनके आशीर्वाद का हमेशा राह देखूंगी, और मुझे वो हमेशा साथ देंगे, ऐसी अपेक्षा मैं उनसे भी करती हूँ। धन्यवाद। ये है ज्योतना हसनाले, हमारे शहर की मेयर है। आज जिस वक्त ये इनॉग्रेशन हो रहा था उस वक्त इन्होंने भी अपनी बात रखी, शहर के काफ़ी प्रश्नों को और काफ़ी समस्याओं को मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे से अवगत कराया। उद्धव ठाकरे जी ने भी आश्वासन दिया कि वो शहर में किसी भी पक्षपाती रवैया नहीं अपनाएंगे, बल्कि शहर के विकास के लिए जिस तरह से जो भी मदद होगी वो ज़रूर करेंगे। और जैसे कि मुख्यमंत्री ने इन्हें न्योता दिया था कि शिवसेना में आप आकर काम करें, शिवसेना के साथ मिलकर काम करें, तो फिलहाल इनका ऐसा तो अभी कोई मन नहीं है कि वो शिवसेना में जाने के लिए वो प्रवृत्त हो सके या शिवसेना जा सके। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।